हाँ प्रियजनों, श्री कृष्ण पांडवों के मित्र होते हुए भी युवा खेल सभा कक्ष में तब आए जब सारा खेल बिगड़ चुका था। द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था। तब उस समय द्रौपदी अपनी लाज की रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारी और श्री कृष्ण उनका लाज बचाने के लिए आए, पर उससे पहले वे कहां थे? वे साक्षात भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी पांडवों की ऐसी दुर्दशा होने के बावजूद वे समय पर द्युत क्रीड़ा सभा कक्ष में क्यों नहीं पहुंचकर पांडवों का मदद किए? ऐसे ही प्रश्न श्री कृष्ण से उद्धव जी किए थे। तब श्री कृष्ण स्वयं मुस्कुराते हुए उद्धव से कहे थे कि विवेक खो देने पर यही दुर्दशा होती है। धर्मराज उस समय अपना विवेक खो बैठे थे। वे चाहते तो जिस प्रकार दुर्योधन अपनी ओर से अपने मामा शकुनी को खेल में लगा रखे थे, उसी प्रकार धर्मराज की ओर से श्री कृष्ण खेले ऐसा प्रस्ताव धर्मराज दुर्योधन के सामने रख सकते थे। और अगर ऐसा होता तो अवश्य ही पांडवों की जीत होती, पर धर्मराज ऐसा नहीं किए। वे तो श्री कृष्ण से छुपकर जुआ का खेल खेलना चाहते थे और श्री कृष्ण से प्रार्थना भी किए थे कि वे तब तक सभा कक्ष में न आए जब तक कि उन्हें कोई बुलाए नहीं। ऐसे में श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी सभा कक्ष नहीं गए और गए तब जब द्रौपदी अपनी लाज की रक्षा के लिए उन्हें पुकारी। ये बात समझने की चीज है कि श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, उनसे हम कोई भी चीज छुपा नहीं सकते और छुपाने की कोशिश करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। ऐसे में हम क्यों नहीं अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें? मन को शांत कर श्री कृष्ण पर ध्यान लगावे और उनके चरण कमलों से निकलने वाली अमृत रस पान कर निष्काम कर्म करते जाएं, अपने आप जीवन में हर सुख मिलते रहेगा, हर खुशी मिलती रहेगी। यही है हमारे बांसुरी वाले। हाँ, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक वो शेयर करना न भूलें और अगर अभी तक आरके हरित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल अर्थात घंटी क्लिक करें ताकि घंटी हो जाए फिट। ये है यूट्यूब चैनल आरके हरित। धन्यवाद।